हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ पॉन्स वाइट ब्यूटी मिनरल क्ले फेशियल फोम का रिव्यू। ये जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे कमेंट किया था किसने कि इसका जो है मैं रिव्यू करूँ। वैसे मैं इसका रिव्यू करने वाली थी क्योंकि ये भी न्यू लॉन्च हुआ है एंड आप देखेंगे तो आपको यूट्यूब पर इसके रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो मेरे को वैसे भी लेना था बट कमेंट आ गया तो मैंने चलो थोड़ा सा अच्छा है कि कोई तो कमेंट कर रहा है इसके लिए। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। एंड या अगर आपको लेना है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देख सकते हैं क्योंकि डिटेल में इसका रिव्यू मैं शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वही देखेंगे। सो फर्स्ट मैं इसकी पैकेजिंग से स्टार्ट करती हूँ। इसकी पैकेजिंग आपको इस टाइप के ट्यूब पैक में मिलता है जो एकदम स्लिम सा है एंड ये आप ट्रैवल के लिए इजीली लेके जा सकते हैं। बिल्कुल भी बल्की नहीं है, एकदम अपने बैग में भी डालोगे तो भी लेके जा सकते हो। लाइक अगर आपको ऑफिस भी लेके जाना है तो भी आप इसे लेके जा सकते हैं इंस्टेंटली। अगर आपको कहीं पर जाना है तो ऑफिस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसकी जो पैकेजिंग वो थोड़ी सी मैट टाइप की है, ट्यूब फॉर्म में तो अच्छे से लॉक हो जाता है एंड बिल्कुल भी लीक नहीं होता है। इसमें आपको टू साइजेस मिल जाएंगे, 40 ग्राम का है एंड ये वाला है 90 ग्राम का। सो इसकी प्राइस है 210 रुपीज़। ये मैंने लिया है नायका से, इसमें मुझे कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला था, नहीं मिला। इसमें आपको टू वेरिएंट्स मिल जाएंगे। मैंने लिया है वाइट ब्यूटी इंस्टेंट ब्राइटनेस विटामिन B3 एंड आप ले सकते हैं दूसरा भी जो है वो है एक्टिवेटेड चारकोल डिटॉक्स स्किन प्योर वाइट वाला। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स है या आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है, आप बाहर से रेगुलर आते हैं, पॉल्यूशन रहती है स्किन के अंदर, वैसे अभी तो कहीं जाना नहीं अपन को और ना ही हमें ये सारी चीज़ें ऑर्डर करनी है। जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए एंड सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, कोरोना वायरस हम लोग फ्री हो जाए, उसके बाद आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कीजिए। ये मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था, 15-20 दिन से पहले, तब तो कुछ भी इतनी भनक भी नहीं थी, तब मैंने ऑर्डर किया था। इसलिए मैं अभी इसका रिव्यू कर रही हूँ कि मैं इसे ट्राई कर रही थी। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आ रहा है और आपको ट्राई करना है तो आप आराम से चाय पीते रहिए, इंजॉय करते रहिए अपनी जो भी लाइक 21 डेज हम लोग घर के अंदर हैं उसको इंजॉय कीजिए। ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि हम हमारी फैमिली के साथ रहे तो बाहर मत निकलिए। एंड जो भी चीज़ें आपको लाइक पार्सल वगैरह लेना है, ऑर्डर करना है, वो आप बाद में ही कीजिएगा आराम से। तो चलिए फिर रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपकी स्किन में ऑयलीनेस है, पिंपल है और पॉल्यूशन से आप बार बार आते हैं घर पे तो आपकी स्किन में पॉल्यूशन रहता है, तो उसके लिए आप जो है प्योर वाइट वाला एक्टिवेटेड चारकोल वेरिएंट ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको इंस्टेंट ब्राइटनेस चाहिए, थोड़ी सी ग्लोई स्किन चाहिए, डल हो गई स्किन, तो आप ये इंस्टेंट ब्राइटनेस वाला वेरिएंट ट्राई कर सकते हैं। तो अगर इसके क्लेम की बात करूँ तो इसमें मेंशन किया गया है नेचुरल मोरक्कन क्ले से बनाया गया है जो हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है, हमारी स्किन में जितनी भी इंप्योरिटीज है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। सो अगर मैं बात करो इसके टेक्सचर की तो फर्स्ट हम इसके टेक्सचर को देख लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्सचर बता देती हूँ। ये मैंने जितना लिया है गाइस इतना काफ़ी है आपके पूरे स्किन को क्लीन करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा है, लाइक एक पैक जैसा होता है हम लगाते हैं उस टाइप के पैक जैसा आपको दिखेगा। एंड इसके अंदर ना आपको छोटे छोटे से बीट्स मिल जाएंगे, स्क्रबिंग पार्टिकल्स मिलते हैं। अगर बात करें क्रीमी स्क्रब्स जो होते हैं जो हमारी स्किन को डीपली क्लीन भी करते हैं एंड फेस वॉश तो उससे होता नहीं, बट ये वाला जो है आपको एक क्रीमी सा फोम भी मिल जाता है एंड प्लस इसमें स्क्रब भी हो जाती है, तो ये कुछ इस टाइप का फैल जाता है स्किन में। अगर मैं बात करूँ इसको कैसे क्लीन करना है, तो नॉर्मली जैसे हम लोग स्किन को क्लीन करते हैं पहले पानी लगाते हैं, उसके बाद जो है हम हमारा फेस वॉश अपने फेस पे स्प्रेड करते हैं, बट इसको कैसे यूज़ करना है, आप अपने ड्राई फेस पे ही इसको पहले स्प्रेड कीजिए। आपको 1 से 2 सेकंड तक अपने स्किन को अच्छे से स्क्रब करना है, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए एंड अपने जो है हैंड से फोम को क्रिएट कीजिए। उसके बाद एक बहुत ही क्रीमी सा फोम क्रिएट होता है एंड स्किन डीपली क्लीन हो जाती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम जब इसे लाइक यूज़ किया था तो मेरी स्किन, जब मैंने इसे यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन लग रही थी मुझे, क्योंकि स्क्रब बहुत अच्छे से हो गया था एंड प्लस फोम भी मिल गई थी जिसकी वजह से स्किन को मुझे वापस से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों चीज़ें मिलके मेरी स्किन को इतनी ज़्यादा इंस्टेंटली मुझे बहुत अच्छा ब्राइटनेस मेरी स्किन में देखने को मिला। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये वाली जो फेस वॉश है जो कि फेशियल फोम है, इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन मुझे थोड़ी सी ड्राई फील की, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सेस में स्किन खिंचती नहीं है, बट मुझे लाइक एक साइड मुझे ऐसा लगा था मुझे स्किन को मॉइस्चराइज करना है, लाइक मेरे को लग रहा था मेरी स्किन को नीड है। इसको यूज़ करने के बाद मुझे थोड़ी सी ड्राइनेस फील हुई थी, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूँ इसके क्लेम्स की, ये स्किन को डीपली क्लीन करता है जो कि इसने क्लेम किया है, ये सच में आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूँ इसमें कोई भी केमिकल जो कि पैराबिन एंड सल्फेट जैसी चीज़ें यूज़ नहीं की गई है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है,
इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो नॉर्मल जो पॉन्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम आती है या फेस वॉश आता है, सिमिलर आपको सेम वही फ्रेग्रेंस इसमें मिलेगी, कोई भी दूसरा नहीं है। नॉर्मल पॉन्स की जो फ्रेग्रेंस होती है वही फ्रेग्रेंस आपको इसमें मिलेगी। इसमें एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स हैं, तो अगर आप इसे डेली यूज़ करने के लिए लेना चाहते हैं, लाइक अगर आप रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम हम जो फेस वॉश यूज़ करते हैं उसके लिए आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको ये ट्राई नहीं करना है। ये जो फेशियल फोमेगाइस, ये आप वीकली 2 से 3 बार, लाइक हार्डली 3 बार आपको यूज़ करना है। अगर जैसे मैं रेगुलर मेकअप करती हूँ तो मुझे नाइट में अगर डीपली क्लीन करना है अभी जाके, तो मैं इसको यूज़ करूँगी तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप रोज़ के लिए एवरीडे के हिसाब से लेना चाहते हैं तो ये फेस वॉश उसके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से स्क्रब करते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे सही नहीं है स्किन को स्क्रब करना। तो रेगुलर बेसिस पे मैं इसको नहीं रिकमेंड करूँगी, बट अगर आप ऐसा चाहते हैं जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करे वीकली, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे चाहिए होता है डीपली क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसकी एक चीज़ अच्छी बात है कि हम लोग नॉर्मली फेस वॉश करते हैं उसके बाद स्क्रब करते हैं उसके बाद पैक लगाते हैं, तो ये इंस्टेंट है कि आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा तामझाम वीकली करना है तो थोड़ा सा लो एंड उसी को ही फटाफट कर लो, स्क्रब भी हो जाता है, स्किन क्लीन भी हो जाती है, पैक का काम भी हो जाता है। तो यार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इसके लिए लेना है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, इतनी सारी चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फेस वॉश आपका इतना सारा काम कम कर देगा और इतने सारे टाइम भी बचा देगा। सो चलिए इसे यूज़ करके बता देती हूँ। सो चलिए अभी मैं इस फेशियल फोम को यूज़ करके आपको बता देती हूँ किस टाइप से आपको इसे यूज़ करना है, क्योंकि इसे यूज़ करना है आपको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, इसका वे थोड़ा सा चेंज है। सो ये जो अमाउंट है मैंने लिया है, इतना अमाउंट काफ़ी है आपके पूरे स्किन को क्लीन करने के लिए। फर्स्ट आपको इसे अपने फेस पे अच्छे से स्प्रेड करना है, वो भी सिर्फ ड्राई फेस पे, पानी का पहले आपको यूज़ नहीं करना है। ड्राई फेस पे आपको पूरे स्किन पे अच्छे से इसे लगा लेना है। 1 से 2 सेकंड तक लगाने के बाद आपको इसकी स्क्रब करनी है, उसके बाद आपके फेस पे ये थोड़ा सा लाइक एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा गायब सा हो जाए, देन आप देख सकते हैं आपको थोड़ा सा पानी लेना है एंड फोम को क्रिएट करना है। एंड बहुत ही इजीली एक क्रीमी सा फोम क्रिएट हो जाता है, एंड इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा सा एक क्रीमी सा फोम आप देख सकते हैं आपको दिख रहा है। यही है जो एक क्लिनजिंग करने में बहुत इजी रहता है। स्क्रब से आपके डेड सेल रिमूव हो जाते हैं एंड हल्की हल्की सी जो आपके स्किन में इम्प्योरिटीज है वो क्लीन हो जाती है, एंड जो फोम है उससे आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, एंड इसका फोम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा क्रिएट होता है। सो फेस वॉश हो चुका है मेरा, अभी मैं इसको वॉश करके आती हूँ। वॉश करने के बाद स्किन स्मूथ हो जाती है, इंस्टेंट जो है स्किन में एक फ्रेशनेस एंड स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई नज़र आती है। सो ये था गाइज मेरा आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा। अगर मैं बात करूँ इस फेस वॉश की, तो आपको डेफिनेटली ये वाला फेस वॉश ट्राई करना चाहिए, एंड मुझे ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये डीपली क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वीकली अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो फेस वॉश को यूज़ करने के साथ मेरी स्किन में मुझे कोई भी इरिटेशन फील नहीं हुई है, ना ही रेडनेस, ना ही मुझे कोई पिंपल्स आए हैं, नहीं, बस यही है कि मुझे ये थोड़ा सा ड्राई साइड में लगा है मेरी स्किन में, बाकी ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, एंड अगर मैं बात करूँ समर्स की, तो ये समर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। ऐसे ही रिव्यूज अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके इसके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।